नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं क्लास 4-5 के शिक्षक डायरी बता रही हूँ। 28 तारीख से ये स्टार्ट है, क्योंकि ये सप्ताह 28-29 दो ही दिन है, बाकी छुट्टी पड़ी है, तो दो दिन की ये मैं योजना बता दे रही हूँ। मंडे की योजना है 5 हिंदी, पाठ 11 मैं और हॉकी, 3/6 यानी 6 शिक्षण योजना में से तीसरा पढ़ाना है। पाठ का स्वतंत्र पठन शिक्षण योजना के अनुसार स्वतंत्र पठन कराएंगे। क्लास 4 हिंदी, पाठ 12 भक्ति नीति माधुरी, शिक्षण योजना 3/7 के अनुसार दीक्षा ऐप से वीडियो दिखाकर चर्चा, दीक्षा ऐप से रहीम का जीवन परिचय दिखाएंगे बच्चों को। क्लास 5 गणित, दशमलव गुणा भाग, दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से भाग करना, शिक्षण योजना 5/7 के अनुसार कार्य पुस्तिका से कार्य कराएंगे। क्लास 4 पाठ 9 अपवर्त और अपवर्तक, शिक्षा योजना 5/9 के अनुसार शिक्षण कार्य, अपवर्तक के गुणधर को स्पष्ट करना। क्लास 5 पाठ 12 आपदाएं और उनसे बचाव, पाठ का आदर्श एवं अनुकरण वाचन। क्लास 4 ईवीएस, पाठ 11 जल है जीवन, यहाँ पर देखिए और सही उच्चारण से पढ़ते हैं। कार्य पुस्तिका से कार्य कराएंगे, कार्य पुस्तिका से कार्य। अब यहाँ आ जाते हैं, पाठ 5 हिंदी, पाठ 11 मैं और हॉकी, पाठ में आए अपरिचित शब्दों पर बात, शिक्षण योजना 4/6 के अनुसार शब्द अर्थ। क्लास 4 हिंदी, पाठ 12 भक्ति नीति माधुरी, रहीम के दोहों का वाचन, शिक्षण योजना 4/7 के अनुसार रहीम के दोहों का वाचन पर कार्य करेंगे। क्लास 5 पाठ 10 दशमलव गुणा भाग 6/7 के अनुसार कार्य पुस्तिका से कार्य कराएंगे और यहाँ पर एलो लिखा है। क्लास 4 अपवर्त अपवर्तक, अभाज्य गुणनखंड स्पष्ट करना, अभाज्य संख्या का वृक्ष बनवाएंगे, गुणनखंड वृक्ष। क्लास 5 इंग्लिश, कार्य पुस्तिका से कार्य कराएंगे क्लास 4-5 दोनों में, और क्लास 5 ईवीएस में पाठ 12 आपदाएं और उनसे बचाव, पाठ का आदर्श एवं अनुकरण वाचन सेम क्लास 4 में भी कराएंगे, पाठ 11 जल है जीवन। और यहाँ इसके बाद देखिए, आप नीचे अवकाश की तिथियाँ लिख दीजिएगा, 30 तारीख, 31, 1 और 2, ये सप्ताह यहाँ समाप्त हो जाएगा, शनिवार तक का इसमें लिख दिया है। साथ ही साथ मैं आपको दिखा देती हूँ शिक्षण योजना एक दृष्टि में कैसे लिखना है। शिक्षण योजना एक दृष्टि में है, अक्टूबर का 5वां सप्ताह है, ये देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये क्लास 4 का क्लास 5 का यहाँ लिखा है और ये क्लास 4 का लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं, माँ लक्ष्मी सब पर कृपा बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।